आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, टुडेज क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस आयन फ्रॉम एक्स इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ 144 किलो जूल पर मोल एनर्जी। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ एक्स टू माइनस आयन फ्रॉम एक्स माइनस इज एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ 840 किलो जूल ऑफ एनर्जी। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हमने क्या करा, x से x माइनस बनाया तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 144 किलो जूल पर मोल। और जब x माइनस से x माइनस टू का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी x है हमारे पास, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि क्या होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई 144 किलो जूल पर मोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारी होती है, ई ए फर्स्ट। ठीक है, तो हो गई फर्स्ट वाली। उसके बाद सेकेंड स्टेप में x माइनस वन में हमने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और इस बार जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है, हमें क्या पड़ी है, देनी पड़ी है 840 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने क्या करी है, इसमें एब्जॉर्ब करी और हमारे पास क्या बन गया, x माइनस टू। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारी सेकेंड होगी। जैसे अपन आई पी सेकेंड आई पी फर्स्ट की बात करते वैसे ही। ठीक है, ये तो हो रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इस फर्स्ट इक्वेशन में तो हमने क्या करा, एनर्जी रिलीज हो गई, फर्स्ट जब हमने रिएक्शन कराई तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन जब सेकंड की बात करें तो उसमें एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, तो इसका रीजन देखते हैं। देखो, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। अब उसमें हमारे एक्स में मान लीजिए ये एक्स है, यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव होता है। अब जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उस पर क्या लगता है, न्यूक्लियस की पावर लगती है और वो उसको अट्रैक्ट करता है, उस पर न्यूक्लियस की पावर लगती है और उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर, जो अट्रैक्शन की पावर होती है, उसके साथ हमारा जो वर्क डन है वो क्या काम कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा काम हो रहा है, तो इसलिए इस केस में हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें, अब ये क्या बन गया, एक ये है एक x माइनस, यानी कि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा अपना नेगेटिव चार्ज लेके, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रिपल्शन होगा। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, अट्रैक्शन के साथ ही हमारा वर्क डन हो रहा था, इसलिए वो क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी और सिस्टम स्टेबल हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में रिपल्शन हो रहा है, ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और मैं नहीं लूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उसको लूंगा तो मेरे पास टू माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें क्या करना, हमको रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और इसलिए इस केस में जो हमारा एनर्जी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें एनर्जी इस केस में देनी पड़ेगी। कभी भी हम एक यूनि नेगेटिव या फिर जो बाय नेगेटिव, कितना भी नेगेटिव में आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा वो वर्क डन आपको करना पड़ेगा और उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमेशा हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर अपना एलिमेंट है बिना चार्ज वाला, विदाउट एनी चार्ज, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि वो लगभग हमेशा, मतलब अगर अपन नोबल गैसेस और जो फुल फील्ड हाफ फील्ड इनको छोड़ दें, तो जनरल बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास यूनी नेगेटिव या फिर इससे भी ज्यादा नेगेटिव, बाय नेगेटिव, कितना भी नेगेटिव, यानी कि x माइनस टू, ठीक है, ओ माइनस की बात कर लो, ओ माइनस टू की बात कर लो, इन केसेस में अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड करेंगे तो रिपल्शन की वजह से हमें उसमें एनर्जी और देनी पड़ेगी और इस वक्त हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस केस में हमेशा एब्जॉर्ब होगी और इस केस में हमेशा क्या होगी, हमारे पास रिलीज होगी एनर्जी, और रिलीज हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और इसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। सो थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।